गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। हम पढ़ रहे थे बच्चों हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 3 है, ओके। और जो था नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर, एंड द राइज ऑफ हिटलर, ओके स्टूडेंट। तो कल मैं वीडियो डालूंगा, इसका फाइनल पार्ट आप लोग कल क्लास कर लीजिएगा, ओके बच्चों। बाकी मैं अटेंडेंस ले लूँगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था द फायर डिग्री अबाउट 28 फरवरी 1933, सस्पेंडेड सिविक राइट्स, सिविल राइट्स थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की स्वतंत्रता को भी सस्पेंडेड कर दिया गया था, ओके। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से द कम्युनिस्ट्स वेर हरेडली पैक्ड ऑफ अ न्यूली एस्टेब्लाइज कंसेंट्रेशन कैंप्स। देखो कम्युनिस्ट लोग कौन होते हैं, कम्युनिस्ट लोग जो वे होते हैं जो सिर्फ मानवतावाद को मानते हैं वो कम्युनिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। और जो रेड कलर का जो टोपी पहनते हैं ना वे कम्युनिस्ट होते हैं, रेड कलर का या उनका वो होता है फ्लैग वे कम्युनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इंसान सिर्फ इंसानों को मानते हैं, मानवतावादी सोच होती है इनकी। द कम्युनिस्ट वेयर हार्डली पैक्ड ऑफ न्यूली एस्टेब्लाइज कंसेंट्रेशन कैंप्स, इन्होंने नए कैंप्स बनाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेयर बैंड, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें बैंड कर दिया गया। आप बाकी जर्मनी में कुछ और हो रहा था ये आप मत सोचिएगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें बैंड कर दिया गया था। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटीज फोर्सेज वेयर क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल एंड रूल विद द इम्यूनिटी। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज का जो है क्रिएशन किया गया, उनका उनकी बनावट की गई, उनको बनाया गया कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एंड रूल विथ इम्यूनिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब है रिकंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। इसको नेट को बंद कर देते हैं एक मिनट के लिए। रिकंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट पुनः निर्माण, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट हुए थे, अर्थशास्त्री हुए थे, कौन थे, हजालमार सचाच्त वॉज गिवेन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, उन्हें एक उत्तरदायित्व दिया गया कि आप जो है जो इकोनॉमिक थी उन देश की अर्थव्यवस्था थी उसको रिकवर करो, पुनः उसे उसे किस में लेके आओ, उसे सड़क पे लेके आओ, उसकी किसको इकोनॉमी को, सड़क पे मतलब उस जो सड़क से उतर चुकी थी उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी देश की, उसे पुनः सड़क पे लेके आओ, रिकवरी मतलब यही होता है। This was to be done through a state-created economic program. ये कैसे किया जाता था, through a state-created economic program, एक आर्थिक प्रोग्राम चला के ये किया जा सकता है। Hitler pulled out a League of Nations in 1933. इन्होंने एक League of Nations को pull out कर लिया 1933 में, ये एक League of Nations था, राष्ट्रों का समूह था। उसके बाद है reoccupied the रीहेनीलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया जर्मनी इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इन्होंने पुनः जो है एक इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी की स्थापना, एक समूह बनाया जिसका एक स्लोगन था एक इंसान एक एम्पायर एक ही साम्राज्य और एक ही लीडर। ओहो तभी तो कहते हैं हिटलर को महत्वाकांक्षी लीडर कहा जाता है, जिसकी महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा होती हैं। ही देन टुक द सडन टेन लैंड फ्रॉम द चेकोस्लोवाकिया से, ये वाला लैंड ये वाली जगह जो उन्होंने अब हथिया ली। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, और उस हिटलर को जो है इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट था। अनस्पोकन सपोर्ट कैसा होता है, बच्चों को कन्फ्यूज हो रहा होगा। एक होता है स्पोकन बोल के हम किसी को सपोर्ट करें, और एक होता है पीठ पीछे सपोर्ट करें, वो होता है अनस्पोकन सपोर्ट, ओके। He did not stop here. He chose a war as way out of the economic crisis. जबकि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने वॉर को चूज किया। किसको चूज किया, वॉर यानी युद्ध को। आगे हैं रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड, रिसोर्सेज जो थे जो संसाधन थे उन्हें एक्यूमुलेटेड किया गया थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। किसके थ्रू एक्यूमुलेटेड किया गया, जो संसाधन थे किसके थ्रू बढ़ाया गया, टेरिटरी बढ़ाई यानी कि अपने राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाया उन्होंने। इन सितंबर 1940 जनवरी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड पर वो हथिया लिया, पोलैंड पे भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। दिस स्टार्टेड अ वार विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, इससे क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड में एक वॉर स्टार्ट हुआ। द USA रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, USA ने कहा
कि आप युद्ध मत लड़िए, उसने मना किया, ठीक है। बट वेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, जब जापान ने अपनी सपोर्ट हिटलर को दी एंड बॉम्बार्डेड द पर्ल हार्बर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो पर्ल हार्बर था जो यूएसए के कंट्रोल में था उस पर जब बम्बारी की, द यूएसए एंटर द वार। उसके बाद जो यूएसए जो है युद्ध में कूद गया, द वार एंडेड इन 1945। बड़ी ही दुखद घटना है विथ हिटलर डिफीट। लेकिन 1945 में मैं बता दूं आपको, तो राज्य थे जापान के, एक था हिरोशिमा एक था नागासाकी। इस पे 6 अगस्त आप लिख लीजिए या अपने दिमाग में बसा लीजिए, और नागासाकी पर 9 अगस्त को अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराए, एटम बम गिराए, ठीक है, जहाँ पर जो है बहुत लोगों की मृत्यु हुई, और अभी भी वहाँ पे लोगों में जो है उनके अंग वंग हो जाते हैं इसके कारण, ठीक है। 1945 विद द हिटलर्स डिफीट एंड द यूज बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। आगे है द नाजीज वर्ल्ड, द नाजी वर्ल्ड वाइड। अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वेलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। नाजियों के अनुसार उनका एक आइडियोलॉजी थी कि लोगों में समानता नहीं है, देर वॉज नो इक्वेलिटी बिटवीन द पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की, केवल जो है रेशियल हायरार्की है। रेशियल मतलब होता है एक आपका रंग रूप कैसा है, ठीक है, रेशियल आप किस रेस के हो, कि आप रंग रूप आपका दिखावट कैसी है इस तरह से, ठीक है। द नाजीज क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन बाई फिजिकली एलिमिनेटेड ऑल दोज हु वेयर कंसिडर अनडिजायरेबल। उन्होंने जर्मनी लोगों, जर्मन से लोगों की एक कम्युनिटी बनाने स्थापित करी थी। द नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट, एक ऐसा कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ड्रीम ऐसे सपने सोचे, क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी, ठीक है, ऑफ प्योर जर्मन, जिसमें केवल जर्मन हो, बाई फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वेर कंसिडर अनडिजायरेबल, ठीक है। दे वॉन्टेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस, ठीक है, एक ऐसी प्योर हेल्दी सोसाइटी जानते थे, बनाना चाहते थे जिसमें नॉर्डिक आर्यंस हो, ज्यूस जिप्सीस ब्लैक्स रशियस पोल्स ये सब प्रजातियां हैं, ठीक है, पोल्स इवन सर्टेन जर्मन्स एंड एबनॉर्मल्स वेयर कंसिडर अनडिजायरेबल। इन्हें अनडिजायरेबल समझा गया, बताओ इन लोगों को अनडिजायरेबल समझा गया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला एक और कर लेते हैं, नीचे वाला, द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पोलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लिबरल, सॉरी लेवेंसारूम और द लिविंग स्पेस। एक और आइडियोलॉजी थी, जियो पोलिटिकल आइडियोलॉजी थी, ठीक है, लिविंग स्पेस प्रोवाइड करना है, ठीक है। ज्यूज वेर द वोस्ट सफरर इन द नाजी जर्मनी, सबसे ज़्यादा जो जीस लोग थे इनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक है, नाजियों की जो जर्मनी थी। हिटलर बिलीव इन द पिसियो डो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस विच सेड दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन टू द जीवीज। नाउ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए ये जो पिसियो साइंटिफिक थ्योरी है ये है क्या, ठीक है, एक दो लाइन करके बताइए, ठीक है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, बाकी मैं संडे को क्लास प्रोवाइड करूंगा तो चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।